आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। यमुना का भयावह रूप देखकर केजरीवाल ने कहा कि ये अच्छी खबर नहीं है। कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास स्थित वासुदेव घाट के पास यमुना का पानी आउटर रिंग रोड पर आ गया है। पानी को रोकने के लिए बालू और मिट्टी से भरी बोरियां लगाई गई और रिंग रोड पर आए हुए पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। अब खतरा बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी का पानी रिंग रोड पर आना शुरू हो गया है। यहाँ मौके पर मौजूद लोगों ने इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा है। बताइए चंदन जी, आज ये यमुना का पानी जो है रिंग रोड पर आ गया है, क्या कहेंगे इसके लिए सरकार की? सर कोई व्यवस्था नहीं है सर, देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, खाली कट्टे लगा देने से हो जाएगा क्या? तो आपको लगता है ये जो कट्टे लगाए गए, कट्टे लगाने से कुछ भी नहीं हो रहा सर? ये जो बाढ़ का पानी इस तरह से आ रहा है, ये लगता है कट्टा लगाने से रुक जाएगा? नहीं, कहाँ रुक रहा है सर, देखिए वो कट्टा वो हो रहा है, पूरा पानी निकल रहा है। वो आप रिंग रोड पर पानी आ रहा है, ये तो सड़कें चल रही हैं रोड है, इसमें पानी आ रहा है, तो सरकार लोग आए? सरकार कोई काम नहीं कर रही है सर, दिल्ली सरकार वैसे फेल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए, बांध बनानी चाहिए इनको। ये तो काफी खतरनाक लग रहा है जिस तरह से ये पानी कई जगह ऐसे पूरी मेरी मशीन है, मैं उधर से किसी तरह निकाल के लाए, कोई व्यवस्था नहीं है। ये मशीन आप ही चलाते हैं? जी। तो ये क्या भूमिका निभा रही है इसको रोकने में? कोई भूमिका नहीं है सर। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तो आप गवर्नमेंट इस पे कुछ करेगी या ये कुछ नहीं कर रही है, बस आके घूम के सब चक्कर लगा दे रहे हैं। SDM साहिबा आई थी, कुछ देख के चली गई, कुछ भी नहीं बोली उन्होंने कि क्या है क्या नहीं है। तो आपकी गाड़ी जी पड़ी है? जी। और ट्रक भी देख रहे हैं डूबा हुआ? जी, एक और ट्रक पीछे डूबा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं है सर, दिक्कत हो रही है, रोड बंद हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए यहाँ पर कि सड़क पे पानी आए? यहाँ पे सर ये रोड वैसे तो ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि ये पानी आ रहा है ज़्यादा। आपको लगता नहीं है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है? खतरनाक ही हो सकता है सर, ये 2-4 घंटे में ये बंद हो जाएगा रोड, पानी ज़्यादा आ रहा है। सड़क पर आ रहा है पानी धीरे धीरे। वहीं कश्मीरी गेट के पास की मॉनेस्ट्री मार्केट डूब गई है। मॉनेस्ट्री मार्केट में नाव चल रही है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने की वजह से दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज से रेलवे की रेलगाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना जी उफान पर है और उनका भयावह रूप देखने को मिल रहा है। यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यमुना का सारा कचरा बह जाएगा और यमुना जी शुद्ध और साफ हो जाएंगी। यमुना को साफ करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाने के बाद भी सफाई नहीं हो पाती है। सफाई के नाम पर सरकारी फंड गायब हो जाता है, लेकिन यमुना जी अपनी सफाई अपना रौद्र रूप दिखाकर प्राकृतिक रूप से खुद ही करा लेंगी। इसके बाद अब दिल्ली वालों को चाहिए कि यमुना को शुद्ध और साफ रखे, किसी प्रकार का कचरा यमुना में ना बहाए। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1।